अभी ठो से ही बात अभी ऐसे आराम में बने हो गए लोग हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप हो रहा है निको पार्क का, तो आप लोग जुड़े रहिएगा व्लॉग में, बिना स्किप करे देखिएगा व्लॉग को। व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है एंड हमने बहुत सारी मस्ती की है। और ये मेरी प्यारी मौसी भाई, हम लोग सब रेडी हुए हैं ट्रेन के लिए। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है और अभी हम लोग दक्षिणेश्वर से जा रहे हैं वाटर पार्क। खूब सारा फन होने वाला है, तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। तो ये है कोलकाता का लोकल ट्रेन जिसमें कि हम लोग जाएंगे। तो हम लोग लोकल ट्रेन का मज़ा ले रहे थे और जैसे ही ट्रेन खुली साथ में आ गए इयररिंग्स एंड क्लिप्स वगैरह बेचने वाले भैया लोग। और ये हर एक इयररिंग, मतलब हर एक जो भी आप इयररिंग लो, ज्वेलरी लो, जो अभी आप देख सकते हो पेंडेंट वगैरह, सारे के सारे सिर्फ 30 रुपीज़ में है। और मैंने वहाँ पर क्लिप का प्राइस पूछा था, वो सिर्फ 10 रुपीज़ का है। जितने भी क्लचर थे उनके पास सारे के सारे 10 रुपये। और ये देखिए आर वाला नेम का इयररिंग्स, काश छोटा होता तो मैं ले लेती, बट वो बहुत बड़ा था और बहुत मज़े आ रहे थे। इस तरह का मतलब एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही नया था। एक्चुअली मैंने कभी मतलब लोकल ट्रेन में इस तरह से मैं गई नहीं हूँ अकेले, हस्बैंड के बिना। इस बार मज़े से खुल के इंजॉय किया है और बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत आइटम थे। 30 रुपीज़ में क्या चाहिएगा, इस सिलीगुड़ी में तो मिलते नहीं है। दुबई क्या है दुबई में? तुम कहाँ जाएगी? दादी पास है, बाबा दादी पास। मेरा बच्चा दुबई जाएगा। विधाननगर रोड, फिर अब हम लोग यहाँ से टैक्सी लेंगे और फिर जाएंगे निको पार्क। और भीड़ देखिएगा, ये बहुत पुराना सबवे है लगता है ना। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और ये यहाँ का मार्केट है, लोकल मार्केट। और ये बहुत प्यारे से हनुमान जी अम्ब्रेला के साथ। बाहर मौसम ठीक ठाक था, गर्मी वैसी नहीं थी जैसा कोलकाता में फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वेदर। फिर हमने कुछ बच्चों के लिए चिप्स एंड चॉकलेट्स वगैरह ले लिए थे, बच्चों वहाँ पे मतलब तंग ना करें हमें बोल के, हमने उनके सारे पसंद की चीज़ें ले लिए थे। तो अभी हम हैं विधाननगर में। यहाँ हम लोग ट्रेन से उतर के टैक्सी लेके आए थे जो कि सामने ही निको पार्क था। और ये हम लोग एंट्री करते हुए, मेरी मौसी चुस्की का मज़ा ले रही है, आइसक्रीम का मज़ा ले रही है। और ये टिकट हमने ऑनलाइन ही करवा लिया था। एक्चुअली क्या है यहाँ पे सिस्टम कि आप आके अगर एंट्री लेते हो तो 810 रुपीज़ चार्ज है पर हेड। अगर आप बैंड लेते हो, मतलब आप कुछ भी राइड कर सकते हो, टोटली फ्री है। लाइक वहाँ पे ड्राई पार्क और वाटर पार्क दोनों ही फ्री होते हैं ये 810 रुपीज़ के टिकट्स में। ड्रेस वगैरह आपको यहाँ रेंट लेना पड़ता है, लॉकर रूम का यहाँ पर रेंट पे करना पड़ता है। और हम थे 5 जन, मैंने 2 बच्चों का नहीं किया क्योंकि भाई ने कहा कि 3 ईयर्स के बच्चे का फ्री है, तो हनु अभी 3 ईयर्स का है। तो हमें ऑनलाइन से बुकिंग करने पे सिर्फ 510 रुपीज़ पड़ा। तो भाई ने कहा कि ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, 510 में हो जाएगा पर हेड। और उसके पास पास था तो हमने क्या किया, ऑनलाइन बुकिंग कर लिया। बट जब सामने आए तो उन्होंने बच्चे के हाइट नापा, मतलब यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग ही प्राइस फिक्स है बच्चों का। तो हनु हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा था तो फिर उसको पे करना हुआ, पर उन्होंने 510 ही लिया, अदरवाइज़ 810 पे करना पड़ता। तो 510 हमें पे करना पड़ा, कोई नहीं ठीक था इतना।
और ये रहा वाटर पार्क का नज़ारा जो कि बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और सामने ट्रेन चल रही थी तो हमने सोचा पहले ट्रेन का राइड ले लिया जाए। और हाँ गाइज, हमने एक लॉकर लिया था, लॉकर 100 रुपीज़ का था रेंटल उसका चार्ज, और कपड़े का वहाँ पे चार्ज था। अगर आपको कपड़ा चाहिए तो आप 50 रुपीज़ पर पीस में रेंट पे ले सकते हो। आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा रिटर्न करने के टाइम, वो आपको मिल जाएगा। तो हमने वहाँ पे एक लॉकर लिया था और ड्रेस सिर्फ मैंने अपने लिए रेंट पे लिया था, 50 रुपीज़ टी शर्ट एंड 50 रुपीज़ लोअर्स का। और वहाँ पे बच्चों के भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम अवेलेबल थे, एंड जो भी लाइक आपको टायर वगैरह चाहिए, लाइफ जैकेट चाहिए, तो उसका कोई चार्ज नहीं था। बस आपको डिपॉजिट करना है, फिर आप जब रिटर्न करोगे प्रोडक्ट तो आपको वो पैसा मिल जाएगा वापस। तो ये देखिए मेरी मौसी बहुत खुश हो रही थी, वो बहुत दिनों बाद आई थी। और फैमिली के साथ कोई भी ट्रिप हो मज़ा आना ही है, नो डाउट। और ये रहा सबसे पहला राइड जो कि इन सभी ने किया मुझे छोड़ के, बच्चे अलाउ नहीं थे और मुझे ये सब में डर लगता है। तो मैं दोनों बच्चों को संभाल रही थी, साथ में इनका वीडियोस भी बना रही थी। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे, मुझे देख के डर लग रहा था। जैसे ही वो ऊपर उठा मेरा हालत हो गया ख़राब, और ये लोग चिल्ला रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। एंड इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन ट्रिप लिया है। मतलब आप कितना भी फ्री मतलब ले सकते हो, ऐसा नहीं आप एक राइड एक ही बार यूज़ कर सकते हो, आप एनी टाइम। हम लोग सुबह 11 बजे वहाँ पहुँच चुके थे और शाम को 6 बजे वहाँ से निकले थे। वाटर पार्क का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, एंड ड्राई पार्क जो है वहाँ पे उसका टाइमिंग है 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। तो ये फुल लुक वाटर पार्क का। इसमें पानी में बैठेंगे तो नन्नू क्या खाएगा? चिकन। हेलो, अभी आप
हम लोग सभी राइड तो नहीं कर पाए, बहुत सारा राइड छूट गया था क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत शॉर्ट है। मतलब इतना कुछ करने के लिए हमें लग रहा था पूरा ही पूरा, मतलब 3-4 घंटा तो हमें इसमें बिताना था। बट हमें वाटर पार्क का ज़्यादा क्रेज़ था, हमें ड्राई पार्क कुछ खास नहीं लगा। हाँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे राइड से बहुत डर लग रहा था। भाई बहन मौसी ने खूब इन्जॉय किया, मैंने बहुत कम राइड्स किए बिकॉज मुझे डर लगता है। और होप गाइज आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, एंड ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी फैमिली और जल्दी जल्दी बढ़े बड़े हो। एंड गाइज बहुत सारा स्किप हो गया, मतलब छूट गया, बहुत सारा वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। वहाँ पर बहुत सारे राइड्स वगैरह थे बिकॉज फैमिली के सब साथ थे, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना था, एंड हम लोग इतने गुम हो गए क्या बोले आपको। तो कोई नहीं, और ये हमारा प्यारा वाटर पार्क आ गया जिसका हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। हम लोग 3 बजे के करीब वाटर पार्क में गए थे और आते, मतलब 3 घंटा ही थे हम लोग, फिर भी मन नहीं भरा बच्चों का, हमारा किसी का मन नहीं भरा वहाँ पे। जितना भी समय मिलता कमी होता, और जब बाहर निकले हम लोग का हालत पूरा ख़राब है। आप लोग देखना पूरा वीडियो, फिर आप लोग को पता चलेगा।
वीडियो इज ऑन स्लो मो ना नॉर्मल बा अरे अरे किया होगा वीडियो थोड़ा सा भी इंजॉयबल लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ही धमाकेदार आने वाला है एंड जो मैंने कहा था एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करना है वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। और हम लोग कोलकाता का लोकल मार्केट में शॉपिंग भी किए हैं तो बने रहिएगा जुड़े रहिएगा व्लॉग में। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहूँगी। अगर आप यूट्यूब में ये देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, फेसबुक में देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना, इंस्टाग्राम में आप जाके मेरे रील्स को चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरा gupta_dipali है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा एंड इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हुए फिर नए दिन नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। तो बाय गाइस।